अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकेंड सेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द जनरल टायर्स एंड रबर्स को, उसके बाद हम FFL को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम हाईटेक लुब्रिकेंट्स को टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन बन रही है। स्टार्ट करेंगे GTYR से, जनरल टायर से। GTYR की अगर हम लास्ट सेशन की परफॉर्मेंस देखें तो ये ओपन हुआ था 80.81 पे, 82.48 का हाई देखा, 80.63 का लो देखने के बाद 80.86 पे ये क्लोज हुआ है। 0.09 का गेन है जो कि 0.11% बनता है। MACD इसका फ्लैट चल रहा है डेली बेसिस पे और RSI 56 पे है, जिसका मतलब है कि ये कंसोलिडेशन फेज की तरफ एक जो है इसकी मूवमेंट अभी चल रही है। अगर हम सपोर्ट साइड की बात करें तो 79.84 का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसे इसे मेंटेन करना है टू कीप इट्स अपवर्ड मोमेंटम। 79.84 को अगर ये होल्ड करता है तो इसकी रेजिस्टेंस अभी हमारे पास जो है वो 81.78 की है, फॉलोड बाय 83.82 की। लेकिन अगर 79.84 से ये नीचे क्लोजिंग दे देता है हमारे पास तो फिर इसके सपोर्ट लेवल्स एक्सपोज होना स्टार्ट होंगे जो कि 77.90 पे है और उसके बाद 75.86 पे है। RSI इसका 56 पे है, फ्लैट चल रहा है। MACD भी इसका डेली लेवल्स पे काफ़ी हद तक फ्लैट ही चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पैराबोलिक बाय होने के बावजूद अभी ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन करने की तरफ जो है इसका रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। GTYR की अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो लास्ट वीक ये ओपन हुआ था 79.47 पे, 84.39 का हाई देखा, 77 का लो देखने के बाद इसने क्लोज किया है वीक 80.86 पे। 1.39 का ये गेन बनता है, दैट ट्रांसलेट्स टू 1.75%। MACD बाय सिग्नल इंटैक्ट है, RSI 62 पे है, जिसकी वजह से इसको कोई इमीडिएट थ्रेट जो है वो अवर बॉट की सिचुएशन का अवेलेबल नहीं है। पैराबोलिक बाय भी इसका अवेलेबल है हमारे पास। अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वीकली लेवल्स पे वो 85.87 की है, फॉलोड बाय 88.84। अगर इमीडिएट सपोर्ट की हम बात करें GTYR की तो 78.72 का जो लेवल है ये बहुत अच्छी सपोर्ट इसके लिए सर्व कर रहा है, और अगर ये इसे तोड़ देगा तो फिर ये एक्सपोज करेगा 72.09 के लेवल को। तो डेली टर्म्स में तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन वीकली लेवल्स पे इसके बाय सिग्नल्स जो हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो फौजी फूड्स है, FFL। FFL को अगर हम देखें तो कुछ लास्ट वीक में इसकी कुछ न्यूज़ भी आई ब्रोकर्स की तरफ से कि इसे बाय कर लें और दिस एंड दैट। अगर अभी इसकी हम सिचुएशन देखें तो RSI 61 पे है और हम देख रहे हैं कि जिस दिन इसकी में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया उस दिन के बाद इसमें वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हुए, और जनवरी 13 को इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि इसके वॉल्यूम भी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हुए दो दिन, और इसने जो है वो सेलिंग भी दिखाई है हमारे पास। अभी सिचुएशन ये है कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन किया था 18.30 रुपये पे, 18.35 रुपये का हाई देखा, 17.85 रुपये का लो देखने के बाद क्लोज हुआ है 17.92 पे, 16 पैसे का लॉस है 0.88% का। MACD इसका फ्लैट चल रहा है, जहां पे इसका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जिस दिन वॉल्यूम्स भी आए थे और पॉइंट्स भी गेन हुए उसके बाद MACD फ्लैट है, RSI 61 पे है, और सिचुएशन ये बन रही है कि रेजिस्टेंस इसकी 18.29 रुपये और उसके बाद 18.88 रुपये की बन रही है। सपोर्ट साइड की अगर हम बात करें तो 17.68 की पहली सपोर्ट अवेलेबल है और उसके बाद 17.19 का जो लेवल है वो इसके लिए सपोर्ट सर्व करेगा। पैराबोलिक बाय इंटैक्ट है, कोई अवर बॉट की सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें जो फ्लैट मूवमेंट है MACD की वो मेरे थे लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। रीजन बीइंग कि इसकी जो अपसाइड हिस्टोग्राम्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं ले रही। फौजी फूड्स को अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो RSI 62 पे है, MACD पैराबोलिक बाय अवेलेबल है। वीक इसने ओपन किया था 17.33 रुपये पे, 18.50 रुपये का हाई देखा, 16.90 रुपये का लो देखने के बाद 17.90 रुपये के करीब ये क्लोज हुआ है। 75 पैसे का इसने गेन दिया जो कि 4.37% का वीक ऑन वीक बेसिस पे रिटर्न बनता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे तो 18.74 रुपये की रेजिस्टेंस है और उसके बाद 22.04 रुपये की रेजिस्टेंस बनती है। सपोर्ट साइड 16.15 रुपये पे हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है, और उसके बाद जो बड़ा बाइंग इंटरेस्ट फौजी फूड्स का हमारे पास अवेलेबल है वो 14.85 रुपये के लेवल पे अवेलेबल है। तो कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटली जो है वो स्टॉक जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टॉप लॉसेस लगा के चलें अगर कोई पोजीशन आप इसमें बनाते हैं ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। फौजी फूड के बाद हमारे पास हाईटेक लुब्रिकेंट है। हाईटेक लुब्रिकेंट की लास्ट अगर हम सेशन की क्लोजिंग देखें तो 48.17 पे ये क्लोजिंग आई है, ओपन हुआ था 48.20 पे, 48.98 का हाई देखा, 48.67
01 का हमने लो देखा और उसके बाद ये क्लोज हुआ 48.17 पे, 24 पैसे का लॉस है जो 0.50% जो है परसेंटेज टर्म्स में ट्रांसलेट होता है डेली लॉस हमारा। एमएससीडी इसका एक सेल सिग्नल जनरेट करने की तरफ इंडिकेट कर रहा है क्योंकि हिस्टोग्राम्स अप साइड की जो है उन्होंने मोमेंटम लूज करना स्टार्ट किया है, पैराबॉलिक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और अगर हमें इसको निगेट करना है हमारा आरएसआई 59 पे है तो हमें एक क्लोजिंग चाहिए इसके रेजिस्टेंस लेवल 48.80 से ऊपर। अगर यहाँ से ये ऊपर क्लोजिंग हमें दे देगा तो फिर इसमें जो है वो बाइंग जनरेट होना स्टार्ट होगी जो कि इसे रेजिस्टेंस लेवल 51.50 की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से हमने इसकी सेलिंग देखी तो 46.11 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसे सपोर्ट दे सकता है और उसके बाद 43.41 का लेवल बनता है। तो 46.11 इज अ थ्रेशहोल्ड, यहाँ से ऊपर इसे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा ताकि ये मजीद अपनी यहाँ तक करेक्शन कंप्लीट कर ले और दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। वीकली बेसिस पे अगर हम हाईटेक लुब्रिकेंट्स की बात करें तो इसने जो वीक क्लोज किया है वो 41 पैसे के गेन के साथ किया है, 0.86% ये गेन बनता है। ओपन हुआ 48.51 पे, 51.34 का हाई देखा, 48 का लो देखने के बाद 48.17 की क्लोजिंग है। अगर वीकली कैंडलस्टिक हम देखें ऑल्दो इसने 41 पैसे गेन किए हैं बट इट्स रेड, रीजन बीइंग के वीकली ओपन और क्लोजिंग में जो है वो डिफरेंस था। ये जो कैंडलस्टिक है हमारे पास दैट इज एक्चुअली शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल ऑन द स्टॉक फ्रंट। हमने देखा कि स्टॉक की प्राइसेस ऊपर निकलना स्टार्ट हुई बट वहां मेंटेन नहीं कर सकी मोमेंटम और उसका वॉल्यूम भी इस वीक हमने देखा कि डिक्रीज हुआ है। इस वीक का हमारा वॉल्यूम जो है वो 44.295 मिलियन है और लास्ट वीक हमने 9.937 मिलियन जो है वो इसका वॉल्यूम देखा था। तो वॉल्यूम एंड पे देखा हमने कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो लूजिंग फ्रंट पे हम आ गए हैं, वॉल्यूम्स ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं। अभी अगर वीकली रेजिस्टेंस हम देखें तो वो 52 रुपीज़ एंड देन 54.20 की है और अगर हम सपोर्ट साइड की बात करें तो 45.62 की पहली सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है और उसके बाद 42.97 की सपोर्ट अवेलेबल है। तो बाय लुकिंग एट दिस कैंडलस्टिक, ये जो हमारी लास्ट वीक की कैंडलस्टिक ड्रॉ हुई है, ऑल्दो 65 का आरएसआई है, हमारा वीकली जो लेवल है वो ठीक नज़र आ रहा है, एमएससीडी का बाय सिग्नल इंटैक्ट है, लेकिन ये कैंडलस्टिक्स जो हैं ये प्रेशर शो कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी ये 47.75 से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है इसमें प्रेशर आना स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें करना जो है वो एक वाइज डिसीजन होगा, थोड़ा सा देख के चलें, आपको डेली लेवल्स पे इसे देख के चलें और फिर अगर आप इसमें नई पोजीशंस सपोर्ट लेवल 46 और 43 के करीब बनाना स्टार्ट करें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, दिस वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन, कोशिश करेंगे कि कुछ मजीद स्टॉक्स भी अपडेट हो जाएं। अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।